Good morning everyone. Today I Shivam Singh Rajput and with me we are having our senior most academic coordinator Ratish Nath sir. और आज उनसे हम जानेंगे कि बच्चों को सीमेज में एडमिशन क्यों लेना चाहिए. सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड लेट्स टॉक टू रतीश सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. आप पहले अपने बारे में कुछ बताइए बच्चों को. मेरा नाम रतीश नाथ है और मैं सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज में मैनेजमेंट का फैकल्टी हूँ और मैं मार्केटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ BBA में. सर तो बेसिकली मेरे को ये जानना है कि सीमेज में बच्चों को क्यों एडमिशन लेना चाहिए. ऐसा क्या अलग है जो सीमेज में अलग है बाकी कॉलेजों के मुताबिक. कोई भी जब कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है तो बच्चे के मन में दो चीज़ पाने की इच्छा ज़्यादा होती है. एक तो उसको नॉलेज मिले जिससे वो प्रोफेशनल फील्ड में ग्रो कर सके, और नॉलेज मिलने के बाद किसी भी स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि उसका अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट. तो आज के दिन में सीमेज बिहार ही नहीं पूरे ईस्टर्न जोन में अपने प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है. यहाँ बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ प्लेसमेंट का जो एडिड फीचर है सीमेज में उसके लिए बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और बच्चों को यहाँ आना चाहिए. बच्चे अगर सीमेज में एडमिशन लेंगे तो उनको हाई क्वालिटी नॉलेज मिलेगा और सिर्फ जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है सिर्फ वही कोर्सेज यहाँ पढ़ाए नहीं होते हैं, उसके अलावा भी जो इंडस्ट्री डिमांड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एड ऑन कोर्स के रूप में यहाँ पढ़ाया जाता है ताकि उनको नौकरी पाने में कठिनाई नहीं. सर अगर बात करें प्लेसमेंट्स की तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, या तो हम पॉजिटिव ले सकते हैं उसको या फिर निगेटिव, कि भैया सीमेज ही क्यों, और भी कॉलेजेस प्लेसमेंट दे रहे हैं तो हम लोगों को सीमेज में ही क्यों आना चाहिए, और कॉलेजेस के मुताबिक हम लोगों को पहला प्रेफरेंस जो होना चाहिए वो सीमेज क्यों होना चाहिए. सीमेज इसलिए होना चाहिए कि प्लेसमेंट बहुत सारे कुछ और कॉलेजेस जैसा आप कह रहे हैं कि कॉलेजेस देते होंगे प्लेसमेंट, लेकिन जब हम लोग मास प्लेसमेंट की बात करें तो मास प्लेसमेंट किसी और कॉलेज में नहीं हो रहा है. वहाँ पर एक दो कभी तीन चार हो गए, लेकिन ये सड़क का जो मास प्लेसमेंट होता है वो यहाँ होता है. और प्लेसमेंट को अगर छोड़ भी दें हम लोग तो जिस क्वालिटी का एजुकेशन हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं या जिस तरह की फैकल्टीज यहाँ पर हैं और जो एड ऑन कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं, तो अगर बच्चा खुद से भी प्लेसमेंट लेना चाहे तो आज के दिन में इंडस्ट्री की जो नीड है, इंडस्ट्री का जो डिमांड है, जो स्किल रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोग बच्चों में भर के यहाँ से भेजते हैं. तो वो अगर सीमेज से प्लेसमेंट नहीं ले, खुद भी प्लेसमेंट के फील्ड में जाए तो उसको लगेगा कि वो किसी से भी कम्पीट कर सकता है. अभी आपने प्लेसमेंट के लिए जो पूछा तो प्लेसमेंट के कुछ फिगर्स मैं आपको बतलाना चाहूँगा. यस सर. इसलिए कि अगर थ्योरी मैं बतलाऊं तो पता नहीं आप उस पर विश्वास करेंगे या नहीं. यस सर. लेकिन मैं फिगर्स की बात करूं तो पिछले साल अभी हमारे 260 में से 259 बच्चों का ICICN ने मास प्लेसमेंट एक साथ अपॉइंटमेंट लेटर दिया था. व्हाट सर, 260 आउट ऑफ 259? 259 आउट ऑफ 260 एक बहुत बड़ा फिगर है ये, और वो एक साथ एक कैंपस में लेकर के गया था वो अपने यहाँ. और उसके अलावा अगर हम लोग IT सेक्टर की बात करें तो IT सेक्टर में जितने बड़े नाम इंडस्ट्री के आप लोग जान सकते हैं या जानते हैं, जैसे विप्रो है, TCS है, उसके बाद एक्सेंचर है, तो इस तरह के बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने, टेक महिंद्रा है, या बहुत सारी कंपनीज है वहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं. और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर भी, इंडिया के बाहर बहुत सारी जगहों पर हमारे बच्चे गए हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका ग्रोथ बहुत अच्छा है. फाइन सर, हम लोगों को ये जानकारी बहुत काम आएगी. अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा सर. सर हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि अप्रॉक्स इतना पैकेज जाना चाहिए. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सीमेज जो अपने बच्चों को पैकेजेस प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट के दौरान, तो सर अप्रॉक्स पैकेज जो होता है सर वो कितने LPA का जाता है, और क्या आपके पास कोई रीसेंट सिनेरियो है, कोई ऐसा बच्चा जिसको हाईएस्ट पैकेज अभी रीसेंट कुछ दिनों के अंदर लगा हो? अभी पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते हमारे BBA 6th SEM का एक स्टूडेंट है आराग्या सोनी. यस सर. उसको अभी अमेरिकाना फूड से 10.5 लाख का प्लेसमेंट मिला है,
एंड विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड प्लेसमेंट फिगर टू स्टार्ट विथ। तो ये 10.5 लाख का अभी तुरंत पिछले हफ्ते की बात है। जो ब्लैक रॉक कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे, फाइनेंशियल yes, सर फाइनेंशियल मार्केट में बहुत तहलका मचा रखा है, बहुत तहलका मचा रखा है, बहुत बड़ा नाम आजकल होके उभरा है, उसमें उसका प्लेसमेंट हुआ है और ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और उसने अपनी क्वालिटी से, अपने एजुकेशन और अपनी नॉलेज के बल पे वो प्लेसमेंट लिया है। सर उसका पैकेज कितने का है? 10.5 लाख पर एनम के पैकेज पर है एंड दिस इज अ वेरी गुड फिगर फॉर एंट्री लेवल। सर और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि अभी कमेंट में आ रहे हैं बच्चों के, सर ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं कि भैया एंट्रेंस एग्जाम्स इमेज में क्यों होता है, ये करवाना ज़रूरी है क्या भैया, अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमारा करियर फिर सीमेज में बन पाएगा या नहीं, सर तो ऐसे बच्चों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को यही जवाब देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के सीमेज के एंट्रेंस एग्जाम में आइए और अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप में डेडिकेशन है, अगर आपके अंदर पढ़ने की ललक है तो आपका एडमिशन यहाँ पर ज़रूर होगा। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में उन्हीं का एडमिशन नहीं होता है या उन्हीं को खाली हाथ लौटना पड़ता है जिसमें हमें वो डेडिकेशन की कमी लगती है, सिर्फ टाइम पास वाला चीज़ अगर हमें लगता है ऐसा देखने में, उनके अंदर पढ़ने की ललक नहीं है, आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं है, ऐसे ही लोगों का यहाँ एडमिशन नहीं होता है। अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो कोई कारण नहीं है कि आपका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रतीश सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड वी ऑल होप दैट सीमेज और भी ऐसे होनहार बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो। 260 में से 260 का जो प्लेसमेंट है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो एंड फाइनली एक ही बात कहना चाहूँगा, डोंट वेस्ट अ सेकेंड, जस्ट बुक योर सेल्फ एंड वेलकम टू सीमेज फैमिली। थैंक यू एंड विश फॉर ए बेटर फ्यूचर। थैंक यू।